Hello and welcome back to UEC News. Most of us dream in third year or fourth year of our college to pursue M.Tech from one of the prestigious colleges in India. So, to guide us today, we have a very special guest, Mr. Aman Singhal sir. He is from Mechanical Engineering branch, batch 2023, and pursuing M.Tech in Solid Mechanics and Design from IIT Kanpur. First of all, congratulations, sir, and welcome to UEC Generalism Society. Thank you very much. Sir, so let's begin with the first question. Sir, according to you, in which year should we start preparation of GATE? Should we start from first year or third year? My answer shall be specific to the mechanical engineering field. So like the course, according to me, the course is very large. So the ideal time should be, if you have a specific guide, like you join a coaching or like you know what to prepare via the syllabus. So you can start preparing from third year. Ideally, third year should be fine. Right? Kuch log kehte hain ki second year se chalu kar do, syllabus bahut huge hai. Uski zarurat nahi hai. Second year mein ek disadvantage rahega, tumhare bahut sare topics unknown rahenge tumko. To tumko wo ekdam new se chalu karna padega, tumko itni understanding nahi rahegi, tumko topics hi nahi pata honge. To third year ek ideal time main manta hu chalu karne ka. तो उसमें हो जाएगा सब कवर. सर, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टुवर्ड्स नॉन टेक सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ्स वाई एप्टीट्यूड हुआ तो उनको कैसे प्रिपेयर करना है? देखो, मैथ्स तो वैसे मैं बोलूंगा कि उसको नॉन टेक ना माने तो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि मैथ्स वेरी मेजर पार्ट है गेट का. तो मैथ्स की प्रिपरेशन एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट से फोकस होकर करनी चाहिए. और रही बात अपने एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड देखो बहुत वास्ट है. एप्टीट्यूड को अपन ऐसे कुछ टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं कर सकते कि हाँ एप्टीट्यूड में बस ये एक चीज़ है, वो वास्ट है टॉपिक. तो वो एप्टीट्यूड क्या है कि बचपन से ही अपन जब स्कूल टाइम से PSAs वगैरह देते हैं, है ना, कुछ मैं अपना पैटर्न रीजनिंग वगैरह रहती है, तो वो टाइम मतलब अपन को नॉलेज आती रहती है टाइम टू टाइम, है ना. तो उस पर मैं बोलूँगा कि कुछ टॉपिक्स जैसे वर्क टाइम होता है अपना, है ना, फिर उसके बाद मिक्सचर्स प्रपोर्शंस, ये सब के बेसिक नॉलेज लेके जाओगे तो भी गेट का हो जाएगा. गेट में ज्यादा डिफिकल्ट एप्टीट्यूड नहीं आता है. तो मेन फोकस उस सेक्शन में मैथ्स पे रखोगे तो बेटर रहेगा. बाकी एप्टी डूएबल, अगर आपके पास कुछ टेस्ट सीरीज है और उसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चन बुक्स है तो वो आप सॉल्व करते रहोगे तो आपका इनफ नॉलेज हो जाएगा कि आपका गेट में एप्टी हो जाए. सर, कोई बुक वगैरह की ये बुक रेफर करनी चाहिए एप्टीट्यूड या मैथ्स के लिए? देखो, मैंने तो कोई बुक रेफर नहीं करी थी. मैंने मेड इजी, मैं क्लियर हूँ, मैंने मेड इजी ज्वाइन किया था ऑनलाइन, उसमें हमको क्वेश्चन बुक एक प्रोवाइड करवाई थी, वो मैंने सॉल्व करी थी. टेस्ट सीरीज में जो आए थे वो सॉल्व करी थी. प्रीवियस ईयर के थोड़े बहुत लगाए थे, उससे ही मेरे को आइडिया पड़ गया था कि गेट का एप्टी इज डूएबल. सो आई डिड नॉट फोकस मच ऑन दैट. सर, गेट में जैसे दो पेपर होते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अपन पेपर्स का. या सर, कौन सा कॉम्बिनेशन सर बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, या फिर एक ही पेपर देना चाहिए सर कुछ? देखो, मैं तो मानता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को एक ME एंड XE ये बेनिफिशियल है. मैंने नहीं दिया था XE, पर मेरे को बाद में रियलाइजेशन हुआ कि हाँ देना चाहिए था, क्योंकि XE में क्या होता है, कभी कभार पेपर बहुत सिंपल आ जाता है और उसके कारण ना स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाता है. तो अगर तुम्हारा फोकस ही IITs पे है तो तुम इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच अगर तुमको पसंद है तो उसमें बहुत एडवांटेजेस है, तो वो देना चाहिए. मेरा फोकस तो मेन मैकेनिकल फील्ड में था तो मैंने सिर्फ ME ही चूज किया था, पर देना चाहिए. XE इज परफेक्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट. ओके सर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कोचिंग का सोचते हैं कि गेट के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करना चाहिए, सो ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बेस्ट रहेगा और कौन सी ज्यादा कोचिंग करनी चाहिए? मेरी प्रेफरेंस हमेशा से ऑफलाइन थी. मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो ऑफलाइन मोड में ही किया था, पर कोविड हिट की वजह से मेरे को वो ऑफलाइन ऑनलाइन स्विच करना पड़ा था. तो फर्क तो पड़ता है. देखो, ऑफलाइन में क्या होता है कि तुमको आसपास के लोग को देख के ना एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग अंदर से ही रहती है, तो तुम ना थोड़े वो फ्लो में रहते हो, तुम फोकस्ड रहते हो. ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऑनलाइन में नहीं रहता, अगर तुम टेस्ट सीरीज रेगुलरली दे रहे हो तो तुमको अपना पता रहेगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, पर फिर भी कुछ लोग जो है स्लैक ऑफ कर जाते हैं बीच में, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ऑफलाइन इज बेटर. सर, जैसे 75% क्राइटेरिया होता है हर कॉलेज का अटेंडेंस के बेसिस पे, तो सर कैसे मेंटेन करें, मतलब कॉलेज को असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं तो प्रिपरेशन और कॉलेज को साथ में कैसे मेंटेन करें? ये
कॉलेज मतलब बीटेक लेवल कॉलेज की बात कर रहे हैं? हाँ, तो देखो मेरा तो ऐसा था कि मैंने बहुत लेट चालू किया था, थर्ड ईयर एंड में या फोर्थ ईयर बोल सकते हैं, है ना। तो मेरे को एक तो ये बेनिफिट मिला था कि कोविड टाइम मेरे साथ था, है ना, तो सब पेपर्स अगर ऑनलाइन थे तो मेरे को उतना ज़्यादा फोकस नहीं देना पड़ा था कॉलेज की तरफ, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट था। पर अगर बोलें कि मैनेज हो सकता है, हाँ ईजिली मैनेजेबल है, तुमको भी पता होगा यूएसी में एज सच बहुत लोड नहीं है, किसी भी बीटेक कॉलेज में नहीं होता अनलेस यू आर फ्रॉम आईआईटी, तो ज़्यादा लोड नहीं होता है। तुम दिन के अगर 3-4 घंटे भी दे पा रहे हो गेट प्रिपरेशन की तरफ, दैट्स इनफ। बस तुमको थोड़ा अपना फ्लो मेंटेन रखना है, तुमको एकदम रेगुलर होना है पढ़ाई की तरफ। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ अभी एंड सेम आने वाला है तो छोड़ ही देता हूँ, नहीं ये नहीं हो पाएगा। तुम जो छोड़ोगे वो एक महीने का तुम्हारा गायब हो जाएगा, फिर तुमको एक महीना वापस पूरा देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, तो वो नहीं कर सकते, पर हाँ मैनेजेबल है। सर एक कंफ्यूजन रहता है कि मॉक टेस्ट को लेके, कि सर मॉक टेस्ट कब देने शुरू करने चाहिए? देखो मैंने वैसे में ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, मेन दिक्कत यही होती है गेट एस्पिरेंट्स की कि कुछ लोग ना टेस्ट को एज अ पोस्ट प्रिपरेशन टूल मानते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं टेस्ट दूंगा, फिर उससे मैं एवेल्युएशन करूंगा तो मेरा प्रिपरेशन की लेवल पता पड़ेगी। वो प्रिपरेशन लेवल पता करने के लिए होते नहीं है टेस्ट, पहली बार टेस्ट होते हैं सेल्फ एनालिसिस के लिए, है ना, कि तुम्हारा कौन सा वीक टॉपिक है, तुम्हारी प्रिपरेशन किस टॉपिक में बेटर है, किस टॉपिक में तुमको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर होते हैं। तो आइडियली मॉक टेस्ट देखो सब कोचिंग के 1.5-2 महीने पहले खुल जाते हैं, तो अगर तुम तब से ही चालू कर पा रहे हो तो तुम्हारी लेवल बहुत अच्छी है, ये प्रिपरेशन लेवल तुमने बहुत जल्दी करा है वो सही है। पर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है मेरी तरह, मैंने 1 month पहले चालू किया था मॉक टेस्ट देना, है ना, तो वो मैं मानता हूँ कि वो सही टाइम है, 1 month इज सफिशियंट। अगर तुमको पता है कि तुम्हारी लेवल प्रिपरेशन लेवल इज ओके ओके और तुम एक महीना दे पा रहे हो अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर वर्क करने के लिए, तो वो मैं बोलूंगा कि ठीक है, इट्स डूएबल। और सर रिवीजन को भी लेके रहता है कि रिवीजन लास्ट में कर लेंगे, सब टॉपिक अभी पढ़ लेते हैं, तो वो करना चाहिए या फिर साथ में रिवीजन चलना देना चाहिए? रिवीजन शुड बी कांस्टेंट, रिवीजन ही एक मेन पार्ट है गेट एग्जाम का, क्योंकि क्या होता है कि गेट सिलेबस इज वेरी ह्यूज, राइट, अगर आपने भी देखा होगा तो आपको पता होगा गेट सिलेबस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, है ना, तो अगर तुम कॉन्स्टेंट रिविजन नहीं रखोगे तो तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा दिमाग से, है ना, वो नहीं करना है। तो उसके लिए तुम्हारा शॉर्ट नोट्स इज वेरी नेसेसरी। कुछ लोग होते हैं जो नहीं, जिनको नहीं जरूरत होती, उनकी माइंड पावर बहुत होती है, मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं, पर मैंने शॉर्ट नोट्स रेडी रखे थे, है ना, शॉर्ट नोट्स वॉज द थिंग दैट मेड मी थ्रू दिस एग्जाम, है ना, तो शॉर्ट नोट्स इज मैंडेटरी फॉर मी, इट्स मैंडेटरी फ्रॉम माई साइड, है ना, तो अगर शॉर्ट नोट्स तुम्हारे रेडी हैं तो तुमको रिविजन में उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट तुम हो सकता है 15-20 पेज में निपटा दे रहे हो, है ना, तो 15-20 पेज पढ़ने में अगर तुम्हारा तुमको अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट की, तो तुमको ज्यादा से ज्यादा 15-20 एक घंटा मैक्स, है ना, तो रिवीजन वहां से आसान हो जाता है। प्लस उसके साथ तुमको रेगुलर क्वेश्चंस करने उस सब्जेक्ट के, कुछ नहीं तो तुमने 15 दिन में एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देख लिया चेक करने के लिए कि तुम कुछ भूले तो नहीं हो, है ना, तो वो बस रेगुलर रखना पड़ेगा, रिविजन इज नेसेसरी, रिविजन के बिना गेट नहीं निकलेगा। सर जैसे हम प्रिपेयर करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, तो सर आपने क्या मिस्टेक की थी और आप जो मिस्टेक्स आपने की थी और आप चाहते हो कि कोई दूसरा ना करे? सो मेरी मिस्टेक ये थी कि बीच में मैं स्लैक ऑफ कर गया था काफी टाइम के लिए, है ना, वो मेरे को रियलाइजेशन बाद में हुआ जब मेरा रिविजन बहुत डिलेड चल रहा था। कुछ मेरे दोस्त थे जो 3 months पहले ही रिविजन स्टेज पे आ चुके थे, मेरा रिविजन स्टेज ही 1.5 महीना पहले चालू हुआ था, तो वो मेरे को रियलाइजेशन बहुत लेट हिट हुआ, तो उसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि मैंने फिर डिले करता गया एंड तक, नहीं, मैं दिन भर पढ़ा फिर रिविजन करने के लिए, तो वो चीज़ नहीं करोगे तो बेटर है। प्लस दूसरी जो मेरे एक दोस्त ने करी थी, टेस्ट सीरीज कभी डिले नहीं करना, है ना, मेरा क्या सिस्टम था, जैसे मैं कोई भी सब्जेक्ट करता था तो उसकी टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट टेस्ट जो रहते थे वो तुरंत निपटाते आता था, तो मेरे को उसी टाइम पे अपना सब्जेक्ट एवेल्युएशन पता पड़ जाता था, फिर मॉक टेस्ट तो लास्ट में होते हैं, तो पर ये है कि साथ में अगर टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट तुम निपटाते आ रहे हो और मॉक टेस्ट भी जल्दी, जैसे मैंने बोले 1 महीना पहले शुरू कर देते हो तो बेटर रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम लास्ट के 5-6 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, 5 दिन में तुम सेल्फ एवेल्युएशन इज नॉट पॉसिबल। सो टेस्ट सीरीज सही टाइम पे देना और सही तरीके से देना इज वेरी नेसेसरी,
और साथ में ज्यादा स्लैक ऑफ ना करो तो बेटर रहेगा। तो फाइनल ईयर में जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्लेसमेंट की तरफ जाएं या हायर स्टडीज की तरफ जाएं, तो सर क्या बेटर ऑप्शन रहता है? देखो मेरा तो क्लियर था, मेरे को प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं था। मेरा फोकस ही हमेशा से था कि आईआईटी जाना है। जब मेरे जेई में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था तभी मैंने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, गेट ही दूंगा, जाना आईआईटी ही है मेरे को, है ना। तो मेरा, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था, मैं एक भी कंपनी में भी नहीं बैठा था। तो मेरा क्लियर था। कुछ लोगों को होता है डाउट, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन की रीजन हो सकते हैं या उनको आगे नहीं पढ़ा करना, तो वो अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही फेज से गुजरा हूँ और मेरे दोस्त भी जो थे वो भी ऑलमोस्ट मेरी तरह ही थे, तो आई डोंट नो अबाउट दैट कि जिनको प्लेसमेंट में बैठना है वो कैसे करे, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमें मतलब विच ब्रांचेस आर बेटर ऑप्शन फॉर एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? सो लाइक द डिजाइन इज एवरग्रीन फॉर एमटेक, लाइक प्लेसमेंट्स आर 100% इन दैट ऑन मोस्ट टॉप लेवल आईआईटीज। बट अभी एक नई ब्रांच बूम में है जो इंटरडिसिप्लिनरी होती है वैसे, आईएमई मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। सो वो बूम में इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल तो अपना हमेशा ही काम रहेगा, प्लस उसमें मैनेजमेंट स्किल्स आर नेसेसरी, है ना। तो वो एक ब्रांच है जो कि प्लेसमेंट्स भी अच्छी है, मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट्स एंड द एवरेज सैलरी वाया दैट प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड। सो वो भी एक कंसिडरेशन में होना चाहिए। आईएमई एंड एसएमडी, सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन और डिजाइन इन जनरल, दीज टू शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। सर प्रिपरेशन के टाइम पे सर दो स्ट्रेटेजी होती है, या तो आप पैरेलली दो तीन सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ते हो या फिर वन बाय वन पाइपलाइन के फॉर्म में पढ़ते हो, तो सर कौन सा प्रेफर करना चाहिए, दो साथ में या फिर एक एक करके? देखो मैंने कभी दो फुल सब्जेक्ट साथ में नहीं चलाए, हमेशा एक हैवी सब्जेक्ट और एक लाइट सब्जेक्ट ही चलाया। और लाइट सब्जेक्ट भी मैं रिवीजन मोड में चलाता था। जैसे मैं कभी ऐसा नहीं किया कि जैसे एज एन एग्जांपल मैं सॉलिड सोम ले लेता हूँ, है ना। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं सुबह सोम पढ़ रहा हूँ और शाम को वापस सोम टॉम थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अगर मेरे सब्जेक्ट एक रीडिंग स्टेज में तो दूसरा एक रिविजन स्टेज वाला ही सब्जेक्ट में उठाऊंगा। तो अगर कोई कंफर्टेबल है कि अगर तुमको लगता है कि तुम एक महीने तक एक सब्जेक्ट को दिमाग में रख सकते हो तो यू कैन डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, बट एज आई सेड रिविजन इज वेरी नेसेसरी। सो मैं सेकेंड स्टेज में हमेशा एक रिविजन सब्जेक्ट रखता था, रिविजन सब्जेक्ट प्लस उसका अगर रिविजन हो जाता है तो मैं एक दो दिन में उसके प्रीवियस ईयर उठा के देख रहा हूँ कि याद है कि नहीं। तो मैं बस ऐसे ही किया। पर कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इसकी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इतने टाइम में करूंगा, फिर रात में अगर मैं इससे बोर हो गया तो इतना करूंगा, वो भी कर सकते हैं। सबका अपना एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है, पर मैं हमेशा एक प्रिपरेशन सब्जेक्ट और एक रिविजन सब्जेक्ट रखता था। सर एक वो कंफ्यूजन होता है कि रेंज कितनी आनी चाहिए कि एक अच्छा आईआईटी या एनआईटी मिल जाए, क्या टारगेट करना चाहिए फिर? अंडर 1000 शुड बी द टारगेट। मेरा भी टारगेट 1000 ही था क्योंकि ऑलमोस्ट ओल्ड टॉप 7 ओल्ड आईआईटीज 1000 में आराम से मिल जाते हैं। तो अगर अंडर 500 इज योर एम, दैट्स वेरी गुड, पीएसयू टारगेट कर रहे हो फिर तो आप, है ना। पर 1000 इज ऑल्सो गुड, अगर आपको आईआईटी जाना है तो 1000 इज नाइस। सर कुछ एनआईटीज और आईआईटीज इंटरव्यू लेते हैं सर गेट की वो एग्जाम के बाद, एडमिट राइट के राइट। टाइम, तो सर कौन कौन से आईआईटीज में ऐसा होता है और क्या क्वेश्चंस होते हैं सर उनके? देखो इस बार ज्यादा ऑलमोस्ट किसी आईआईटी ने इंटरव्यू नहीं रखा है इस बार, है ना। शायद बीएचयू में कुछ लोगों ने इंटरव्यू देने गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आई डोंट नो, मैंने बीएचयू नहीं भरा था, पर आईएससी में हुआ था। तो पहले होता था जैसे कानपुर भी लेते थे, कानपुर बॉम्बे ये सब लोग इंटरव्यू लेते थे, पर हर साल चेंज होता रहता है। तो मेरे को इंटरव्यू फेस से नहीं गुजरना पड़ा था, मैंने आईएससी में दिया था, बट दैट वेंट वेरी बैड, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। पर हाँ इस बार इंटरव्यू लेस प्रोसेस था मोस्टली। सर क्वेश्चंस कैसे क्या रहते हैं उनके आईएएससी वालों के? देखो आईएससी में तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे थे, सही बता रहा हूँ। मेरे को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो मैंने पहली बार फेस किया था कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो वो तो तुमको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, मतलब अगर जैसे गेट के प्रिपरेशन इज वेरी स्पेसिफिक, राइट। तुमको टॉपिक्स डिफाइंड है, तुमको उन टॉपिक्स में से किस पे फोकस करना है वो डिफाइंड है। पर इंटरव्यूअर को ये नहीं समझ में आता ना, इंटरव्यूअर तो आपको एक ब्रॉड टॉपिक में से पूछेगा, तो आपको फिर उस अगर तुम कुछ टॉपिक चूज करते हो, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तुमने चूज किया, तो उसकी तुमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर
तभी तुम वो इंटरव्यू के लिए बोल सकते हो यस आई एम रेडी, अदरवाइज यू कैंट. सो मैंने गेट की प्रिपरेशन के हिसाब से मैं इंटरव्यू के लिए करके गया था, सो आई फील्ड बैडली, सो दैट्स नेसेसरी राइट. अगर सब्जेक्ट नॉलेज अगर तुमको है तो बुक रीडिंग जरूरी है. सर हम सभी ने आईआईटी कानपुर के बारे में बहुत कुछ सुना है, सर लाइफ कैसी रहती है वहाँ पर? लाइफ यहाँ की लाइफ के दो हिस्से हैं अभी के लिए, तो एक है एकेडमिक लाइफ और एक है बाहर की नॉन एकेडमिक लाइफ. नॉन एकेडमिक लाइफ इज वेरी नाइस, तुम जो करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो. लाइक मेरे को स्विमिंग पसंद है तो, और मेरे को एक्वाटिक टीम में जाना था तो मैं वहाँ के ट्रायल्स रेगुलरली देता रहा है ना, तो मैं अब एक्वाटिक टीम के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, वो बहुत बढ़िया. पर फिर उसी का दूसरा साइड ये है कि एकेडमिक्स आर वेरी वेरी हेक्टिक राइट. आई डोंट नो अबाउट अदर आईआईटी, सम आईआईटीज आर नाइस इन दैट टर्म्स, बट हियर एट आईआईटी कानपुर इट्स वेरी हेक्टिक. तुमको वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे, वीकली क्विजेस मिलेंगे है ना, तुमको होमवर्क्स मिलेंगे, तो वो लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ते हैं ना. तो दो हाफ हैं इसके, एक वन हाफ इज वेरी हेक्टिक, वन हाफ इज वेरी इंजॉयबल. तुमको जो करना है, तुमको फुटबॉल पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, स्विमिंग पसंद है, तुमको डांस क्लब में जाना है, तुमको एनिमेशन पसंद है, यू कैन enjoy all of that, but academic life is very hectic. So any tip or suggestion for the students who are appearing in GATE 2024? Yeah, so don't take test series lightly. You know, test series I think is the most important part apart from your preparation and revision. Agar test series diye bina koi banda ja raha hai aur wo GATE rank achieve kar raha hai, to I will put it on luck, frankly. So agar तुम्हारा टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो तुम अपनी प्रिपरेशन नहीं बोल सकते कि यस आई हैव डन प्रिपरेशन फॉर दिस. टेस्ट सीरीज सही टाइम पे चालू करना बहुत जरूरी है ना. कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लो, आई एम नॉट नेमिंग एनीथिंग. तुम अगर मैकेनिकल से हो तो मेड इजी एक्सर्जिक, तुमको जो तुमको पता लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बेटर रहेगा वो लो, पर उसको सही ढंग से करो, सही टाइम पे है ना, सही मतलब वे में करो. ऐसा नहीं कि तुमने टेस्ट दे दिया 44 नंबर, हाँ ठीक है 44 में तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. तुम्हारी जहाँ मिस्टेक्स थी उसको सुधारो पहले, फिर उसके बाद जहाँ तुम्हारे क्वेश्चन सही भी थे तुम उसको फास्ट वे में कर सकते हो क्या, वो देखो है ना. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और रिविजन इज कॉन्स्टेंट है ना, रिविजन छोड़ोगे तो तुम्हारा गेट गया, सीधी बात. रिविजन इज नेसेसरी क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है. सर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता सकते हो क्या कि सर किस सब्जेक्ट के लिए किस क्या बुक फॉलो करनी है या प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो? वो मेरे को आईडिया नहीं है क्योंकि मैंने अपने मेडीजी के टीचर्स पर अंधविश्वास किया था, तो मैं उनके नोट्स ही पढ़ाऊँ बस. फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े उनके है ना. मेरे को पता था कि अगर कुछ टॉपिक मिस भी होगा उस नोट से तो डैट विल बी वर्थ 2 or 5 नंबर्स और आई कैन अफोर्ड डैट है ना. तो मैंने सिर्फ नोट्स प्रिपरेशन करे थे, नोट्स से रिवीजन किए थे, शॉर्ट नोट्स उसी नोट्स के रेफरेंस पे बनाए थे, तो बस मेरा तो वही था. मैं बुक्स के ऊपर तो कुछ नहीं बता पाऊंगा. ओके सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला.